और अभी आपको बताएं, कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने पार्टी से अलहदगी की वजूहात से मुतल्लिक भारतीय प्रोपोगंडे को मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं, पार्टी से अलहदगी का मतलब हक़ खुद इरादियत की तहरीक से अलहदा होना नहीं है। जदोजहद आज़ादी से वाबस्तगी मेरे खून में शामिल है। KMS की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी ने भारतीय मीडिया के प्रोपोगंडे को बेबुनियाद करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आज़ादी के लिए हजारों शहीदों की कुर्बानियों से जारी इस जद्दोजहद से उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। बुजुर्ग रहनुमा ने कहा है कि ऐसी कोई ताकत नहीं जो मुझे शहदाए कश्मीर के नस्बुलैन के तहफ्फुज़ से दूर रख सके। जद्दोजहद आज़ादी से वाबस्तगी मेरे खून में शामिल है। सैयद अली गिलानी ने कहा है कि अपने खिलाफ भारतीय मीडिया की जानिब से जारी प्रोपोगंडे को मुस्तरद करता हूं। APHC से अलहदगी का मतलब हक़ खुद इरादियत की मुकद्दस तहरीक से अलहदगी हरगिज नहीं है। बुजुर्ग रहनुमा ने कहा है कि मेरी वजाहत भारतीय मीडिया जमीर फरोश अशराफिया के जाली प्रोपोगंडे का जवाब है। गुज़श्ता रोज़ तहरीक हुर्रियत के बानी बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी ने ऑडियो पैगाम के बाद तहरीरी तौर पर भी कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मुस्ताफी होने का ऐलान किया था। खत में सैयद अली गिलानी ने कहा था कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इस फोरम से मुकम्मल तौर पर अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं।